हेलो गाइज, वेलकम टू द बर्निंग स्टडी। देखिए, आज हम जीएस का एक टॉपिक पढ़ेंगे, भारत में आने वाले विदेश यात्री। तो आपका टॉपिक डाल लीजिए, भारत आने वाले विदेश यात्री। भारत आने वाले विदेश यात्री, इसको हम ट्रिक के साथ याद करेंगे कि कौन आया था और किसके टाइम पे आया था। तो टॉपिक आपका हो गया भारत आने वाले विदेश यात्री। देखिए, अगर हम बात करते हैं, पहले सबसे पहले दो याद कर लीजिए आप, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड, एक तो आया था कैप्टन हॉकिंस, ये पहला अंग्रेज था जो भारत में आया था। कौन? कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। और दूसरा जो अंग्रेज था वो था सर टॉमस रो, सर टॉमस रो। ये आपको शायद याद भी हो, कैप्टन हॉकिंस जो था वो पहला अंग्रेज था जो भारत आया था, और सर टॉमस रो दूसरा अंग्रेज था जो भारत में आया था। ये किसके काल में आए थे? ये जहांगीर के टाइम पे आए थे। किसके टाइम पे आए थे ये? जहांगीर। ठीक है, जहांगीर। तो ये दो दोनों थे, ये जहांगीर के टाइम पे आए थे, कैप्टन हॉकिंस एंड सर टॉमस रो। ठीक है, अब अगला हम देखें तो अगला जो है, थर्ड जो है वो है डाई मैक्स। डाई मैक्स, डाई मैक्स। तो डाई मैक्स जो आया था वो बिंदुसार के टाइम पे आया था। डाई मैक्स जो यात्री था वो बिंदुसार, बिंदुसार के टाइम पे आया था। और इसकी ट्रिक क्या है, इसको हम कैसे याद करेंगे? डाई जो हम डाई करते हैं ना, कलर वाली, तो डाई जो करते हैं उसमें क्या होते हैं, उसमें कलर के बिंदु होते हैं। तो लिख दीजिए ट्रिक में, डाई में रंग के बिंदु होते हैं। जो हम रंग करते हैं ना अपने बालों में, डाई करते हैं ब्लैक कलर की या फिर रेड कलर की, तो उसमें क्या होता है, अगर ब्लैक कलर की जो डाई करते हैं उसमें ब्लैक रंग होता है, तो डाई में रंग के बिंदु होते हैं। डाई में रंग के बिंदु होते हैं, बिंदु होते हैं। तो हमारे माइंड में क्या आएगा? डाई मैक्स। तो डाई मैक्स से हमारे माइंड में आएगा डाई, और डाई में क्या होते हैं, रंग के बिंदु होते हैं। तो बिंदु से बनेगा हमारा बिंदुसार। ठीक है, अगला हम स्टार्ट करते हैं। फोर्थ जो है वो डाल लीजिए आप डायनोसियस। डायनोसियस, डायनोसियस, ये जो था ये अशोक राजा के टाइम पे आया था। अब एक बात बताओ, आपने पता होगा जो अशोक जो था वो भारत का एक महान राजा था, महान राजा था ना। और जो डायनासोर थे, देखो डायनोसियस में डायनासोर छुपा हुआ है, और आपको पता होगा ट्रिक क्या बनेगी, जो डायनासोर थे ना, डायनासोर, डायनासोर जो थे वो क्या थे, महान थे, मतलब बहुत बड़े बड़े थे ना, महान थे। और महान कौन था? हमारा राजा अशोक जो राजा था वो महान था। तो डायनोसियस से माइंड में आएगा डायनोसर, डायनोसर महान थे, और राजा कौन सा महान था भाई, अशोक था वो महान राजा था। ठीक है, तो डायनोसियस से हमारा अशोक याद हो जाएगा। अगला है देखिए मेगास्थनीज। मेगास्थनीज, इसने एक पुस्तक भी लिखी थी इंडिका, वो मैं ट्रिक में बताऊंगा आपको, पुस्तकों की ट्रिक बनाऊंगा, उस ट्रिक में देख लीजिएगा। काफी पुस्तक हैं जिनके आपको याद हो जाएंगे ट्रिक के साथ, किसने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो मेगास्थनीज जो आया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था। चंद्रगुप्त मौर्य, इसकी ट्रिक क्या है, देखो मेगास्थनीज, मेगास्थनीज, मैं दो ट्रिक बताऊंगा इसमें, एक तो तुम्हें बुक की भी बता दूंगा और दूसरी किसके शासन में आया था। मेगास्थनीज, तो भाई मेगास्थान मतलब मेगा मतलब ज्यादा, मेगास्थनीज मतलब मेगास्थान। भाई मेगास्थान कौन घेरता है भाई, चंद्रमा को घेरता है। तो मेगास्थान कौन घेरता है, मेगास्थान एक तो चंद्रमा घेरता है, और मेगास्थान जो है वो चंद्रमा घेरता है, तथा इंडिका, जो इंडिका गाड़ी आती है ना, इंडिका, इंडिका, तो इंडिका गाड़ी भी
मतलब उस मेगा स्थान घेरती है। तो मेगा स्थान जो है चंद्रमा तथा इंडिका घेरती है। तो चंद्रमा से तो हमारा बनेगा चंद्रगुप्त मौर्य, और इंडिका जो पुस्तक थी, इंडिका क्या थी, पुस्तक थी जो किसने लिखी थी, मेगास्थनीज ने। ठीक है, तो मेगास्थनीज में मेगा स्थान जो है वो घेरता है चंद्रमा या फिर इंडिका। तो हमारी दो चीज याद हो गई, इंडिका जो पुस्तक है वो लिखी मेगास्थनीज ने, और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था। ठीक है, अगला है फाहियान। ठीक है, फाहियान ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे। ठीक है, कब आया था ये फाहियान जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया था। ठीक है, अगला देखिए, अगला है मार्को पेलो, मार्को पोलो। हमने एक ट्रिक में पढ़ा था चीन जाने वाला पहला यूरोपियन कौन था, मार्को पेलो। तो हुआ क्या था, जो भी चीन में हमारी ट्रिक क्या थी चीन वाली, चीन में भाई मार्को पेलो गया तो बिना बताए चला गया, चीन वालों ने क्या बोला भाई इसको मार के पेलो। तो यूरोप जाने वाला यूरोपीय जो पहला व्यक्ति था वो चीन पहुंचने वाला मार्को पोलो था। ठीक है, अब भारत में आया तो भारत में भी इसको मार के पेला और कोयले की खान में डाल दिया। तो ट्रिक क्या बन गई, मार के पेला और फिर कोयले की खान में डाल दिया, और फिर कोयले की खान में डाल दिया। ठीक है, तो कोयले की खान में डाला तो कायल, कायल। ठीक है, कायल, कोयले की खान में डाला तो कायल, मार के पेला और कोयले की खान में डाल दिया। ठीक है, तो मार को पेलो और कोयले की खान में डाल दो, तो कायल के टाइम पे आया था मार्को पेलो। अगला देखिए, अगला जो राजा था वो, सॉरी, अगला जो यात्री था वो था हेनसांग, हेनसांग जो आया था हर्षवर्धन के टाइम पे, हर्षवर्धन के टाइम पे। और हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो थी थानेश्वर हरियाणा में। ठीक है, और दूसरी राजधानी जो थी उज्जैन थी, पहली थानेश्वर थी दूसरी उज्जैन थी। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, हेनसांग जो यात्री था वो हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, हेनसांग जो यात्री था वो हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। अगला जो यात्री था वो था निकोलो मेनुकी, निकोलो मेनुकी। अब देखो ये आया था औरंगजेब के टाइम पे, किसके टाइम पे आया था, औरंगजेब। इसकी ट्रिक क्या, देखो ये औरंगजेब के टाइम पे आया था, और ट्रिक क्या है भाई, निकालो मैनू कहां से, जेब से। ट्रिक क्या बन गई, निकालो मैनू जेब से, निकालो, निकालो मैनू जेब से, भाई मैनू जेब से निकालो, निकालो मैनू जेब से। तो जेब से बनेगा औरंगजेब, जेब से क्या बनेगा, औरंगजेब। ठीक है, जेब से क्या बना, औरंगजेब। निकालो मैनू कब आया था, औरंगजेब के टाइम पे आया था, कब आया था, औरंगजेब के टाइम पे आया था। अगला देखो, बाराबोसा, बाराबोसा, बाराबोसा जो आया था वो कृष्ण देव राय के शासन में आया था, कृष्ण देव राय। देखो ट्रिक क्या है, बाराबोसा मतलब बड़ा बोस, बड़ा बोस, बड़ा बोस, जो बड़ा जो बोस है वो कौन है, वो कृष्ण भगवान है, तो कृष्ण देव है। बड़ा बोस कौन है भाई, ट्रिक क्या बन गई, बड़ा बोस जो है वो कृष्ण देव है, कौन है, कृष्ण देव। बड़ा बोस कौन सा है, कृष्ण देव है बड़ा बोस। तो बारा बोसा, बड़ा बोस कब आया था, कृष्ण देव राय के शासन काल में आया था। ठीक है, तीन और देख लो, एक अलमसुदी, 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 अलमसुदी ये आया था महिपाल प्रथम के शासन में, महिपाल फर्स्ट। ठीक है, अलमसुदी जो आया था ना वो महिपाल प्रथम के शासन काल में आया था। एक अगला है हैमिल्टन, कौन, हैमिल्टन, हैमिल्टन, ये टे है, हैमिल्टन, हैमिल्टन जो आया था
वो फारूक सियार के शासनकाल में आया था। कब आया था? फारूक सियार के शासनकाल में आया था। हैमिल्टन कब आया था? फारूक सियार के शासनकाल में आया था। ठीक है, एक अगला देखिए, इबन बतूता। कौन? इबन बतूता। इबन बतूता ये किसके शासनकाल में आया था? ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये आया था, इबन बतूता। ठीक है, तो ये थी हमारी आज भारत आने वाले विदेश यात्रियों की, हमने कुछ तो हमने ट्रिक से पढ़े हैं और कुछ हमें याद करने हैं, बाकी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट थे जो एग्जाम में जनरली जनरली पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको एक ट्रिक में करवा दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।